स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में कुपोषण को दूर करने घर घर जाकर सर्वे कराने की बात कही। प्रभुराम चौधरी अपने निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे विलंब से जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचे। प्रभुराम चौधरी ने पहले जिला चिकित्सालय स्थित शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया और कहा, स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए आशा और ANM कार्यकर्ता से घर घर सर्वे कराया जाएगा, ताकि बच्चों की मौत पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान जिला चिकित्सालय में पदस्थ अफसरों के घोटालों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता दीपक छतवानी ने इस मौके पर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो आज मैं शेड्यूल आया था, शेड्यूल में हमने पूरे संभाग की समीक्षा भी की है और हमने पूरे 3 जिलों को संभाग के जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का नीचे का अमला है, आशा कार्यकर्ता और ANM, उनको डोर टू डोर सर्वे के सबको निर्देश दिए हैं, जिससे कि अगर कोई कुपोषित बच्चा है उसको भी आइडेंटिफाइड कर सकें, अगर कोई किसी तरीके से उसमें बीमारी है तो उसको हॉस्पिटलाइज जल्दी से ले जाया जा सके, जिससे कि भविष्य में बच्चों की मृत्यु ना हो। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रहा है कि हम लोग इन जिलों में कहीं भी कोई बच्चा अगर बीमार है, कहीं कुपोषित है, तो उनको सबको आइडेंटिफाइड करें और उनका प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिल सके, उनकी पूरी देखभाल हो सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।